भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा अंबिकापुर के घड़ी चौक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का पुतला दहन किया गया और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। आपको बता दें कि सरगुजा जिले के लखनपुर में इलाज के दौरान 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई थी, जिसके बाद पिता अपने कंधे पर शव को लेकर घर पहुंचा था, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीएमओ को जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा पीड़ित के घर जाकर हालचाल जाना और पीड़ित के घर स्वास्थ्य मंत्री के नुमाइंदों द्वारा पीड़ित परिवार को किसी से कुछ भी नहीं बोलने के लिए धमकाने का आरोप लगाया है, जिसको देखते हुए भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की है। वही स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है, जिसको देखते हुए भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का पुतला दहन कर इस्तीफे की मांग की है। वही स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। टीवी 36 हिंदुस्तान के लिए सरगुजा से अरमान रजा की रिपोर्ट। आज हम सब ने युवा मोर्चा के साथियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का पुतला दहन किया। जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री के जिले में उनकी विधानसभा में स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्गति हो रखी है, उसके विरोध में आम जन में आक्रोश है और जिस प्रकार से एक बहुत विभत्सतापूर्ण फोटो मीडिया के साथियों के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से हम सब ने लखनपुर स्वास्थ्य केंद्र से निकलते हुए देखी है, उससे हम सबका हृदय छलनी हो गया है और उसके विरोध में आम जनता आक्रोशित है। एक गरीब बच्ची की मृत्यु और मृत्यु के बाद उसके बेबस पिता के कंधे पर उसका शव, ये बर्दाश्त के बाहर है और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, बिना मांगे इस्तीफा दे देना चाहिए और जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को उन्होंने हाल कर रखा है वो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री जी का पुतला दहन किया है। नहीं, मैं अभी पीड़ित परिवार से मिल करके आ रहा हूँ। पीड़ित परिवार के पिता वहाँ बैठे बेबस नजर आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि मेरे जाने से पूर्व 2 घंटे पूर्व उनके स्वास्थ्य मंत्री के नुमाइंदे भी वहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं उस गरीब बेबस पिता को धमकी भी मिली है कि आप ज़्यादा बात किसी कोई भी आएगा जाएगा तो मत करना, नहीं तो पुलिस केस हो सकता है, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, पूछताछ करेगी। वो व्यक्ति जिसकी बेटी की मृत्यु हो गई है, जो ढंग से रो नहीं पा रहा है, वो मेरे सामने आज बेबस था। मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से और सच्चाई के साथ आप लोगों के सामने मैं इस बात को कहता हूँ।